नमस्कार, स्वागत है आपका अलाइव 24 न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देश विदेश की खबरों पर एक नजर। JNU छात्रों पर FIR, विवेकानंद की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप। अयोध्या फैसले पर पुनर्विचार याचिका को लेकर AIMPLB की बैठक आज। स्वाति सिंह के बचाव में उतरे शिवपाल यादव, बोले अफसर को मंत्री नहीं तो कौन डांटेगा। बाल ठाकरे की पुण्यतिथि आज, फडणवीस बोले उनसे मिली स्वाभिमान की सीख। पल भर में तबाह होगा 2000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन, भारत ने किया अग्नि 2 का सफल परीक्षण। आरकॉम के डायरेक्टर अनिल अंबानी का इस्तीफा, 4 निदेशकों ने भी छोड़ा पद। टेलीकॉम कंपनियों के घाटे ने बढ़ाई बैंकों की टेंशन, डिफॉल्ट का डर। टेलीकॉम कंपनियों की गुहार पर निर्मला बोली, नहीं चाहते कोई कंपनी डूबे। अक्टूबर में आयात और निर्यात दोनों लुढ़का, व्यापार घाटे में आई कमी। निर्भया कांड के दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए याचिका, 25 नवंबर से होगी सुनवाई। गुरुग्राम में गैंगस्टर अशोक राठी पर जानलेवा हमला, 3 बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली। बिहार में अवैध बंदूक कारखानों का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। वसीम रिजवी बोले, बगदादी और वैसी में कोई फर्क नहीं। गंगा को प्रदूषित करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, कचरा फैलाने पर 5 साल की जेल, 50 करोड़ जुर्माना। सुनील अरोड़ा बोले, एक देश एक चुनाव के लिए सभी पार्टियों की सहमति जरूरी। पराली जलाने के खिलाफ सख्त हुई योगी सरकार, सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। कुल्हाड़ी से काटकर बेटी की नृशंस हत्या, खुद पुलिस को दी सूचना। दिल्ली के नरेला इलाके में जूतों की फैक्ट्री में लगी आग, 2 मजदूर लापता। अब नजर डालते हैं खेल जगत की कुछ खबरों पर। सौरव गांगुली को राहत, CAB अध्यक्ष रहते हितों के टकराव की शिकायत खारिज। कोहली बोले, किसी भी पिच पर किसी भी टीम को हमारे फास्ट बॉलर कर सकते हैं ध्वस्त। भारत ने बांग्लादेश को पारी और 130 रन से हराया, मोहम्मद शमी ने 4 विकेट चटकाए। भारतीय कप्तान विराट कोहली बोले, हमारे तेज गेंदबाज विश्व में सर्वश्रेष्ठ। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने गांगुली को लिखा पत्र, BCA में गैर कानूनी गतिविधियों पर ध्यान देने का किया आग्रह। मनोरंजन जगत की खबरों पर एक नजर। मंगल का फर्स्ट लुक आउट फिल्म में आदित्य दिशा की शानदार केमिस्ट्री। टाइगर श्रॉफ ने किया माइकल जैक्सन के डांस मूव्स, वायरल हो रहा वीडियो। लता मंगेशकर की सेहत में सुधार, 6 डॉक्टरों की टीम लगातार कर रही इलाज। ऋतिक रोशन बोले, मेरी माँ ने सिनेमा घर में जाकर 9 बार देखी सुपर 30। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।